नमस्कार। स्टेटिस्टिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च के इस सीरीज में हमारा ये लेक्चर 6 है जो हम आज आपको लेकर आपके लिए लाए हैं। इसमें टॉपिक अभी हमारा वही कंटिन्यू कर रहा है जो लेक्चर 4 और 5 में चला, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर ऑफ वेरिएबल। तो ये थर्ड पोर्शन है इसका, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर्स का। फर्स्ट पोर्शन में हमने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बताया, बात करी थी आपसे। और सेकंड में मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स पर बात हुई थी, और मेरी उम्मीद थी कि हम उसी लेक्चर में ये थर्ड पार्ट भी कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उस वीडियो को कम्प्लीट नहीं कर पाए। तो फिर हम ये थर्ड पार्ट इसका लेकर के आए हुए हैं, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। जनरली जब आप डेटा पाते हैं तो आपका के हर वेरिएबल का, हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर के लिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपने हर वेरिएबल का न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर को जाने निकालें, पता करें। उसके इससे फायदा क्या होगा कि आपके वेरिएबल, आपको अपने वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो अमूमन ये दोनों डिस्क्रिप्टर, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, आपके डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के शेप को लेकर के है। तो दोनों ही आपके डेटा के शेप के विषय की कुछ बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे मत हैं कि कौन डिस्क्रिप्टर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बताता है, किस तरह का शेप बताता है। तो हम उन सब बातों को डिस्कस करेंगे और कुछ हम अपनी ओपिनियन भी उसमें रखेंगे। तो ये शेप, जनरली शेप ऑफ डेटा इज मेजर्ड बाय स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो हम आते हैं कि स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मोर प्रिसाइज लैक ऑफ सिमेट्री। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको स्क्यूनेस अगर आप निकालते हैं तो इससे आपको उसकी आइडिया लगेगी कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है कि नहीं। और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो लैक ऑफ सिमेट्री होगी। तो आप कह सकते हैं कि कितना लैक है, कितना सिमेट्री से हम नजदीक हैं या दूर हैं। अगर इस सेंस में आप बात करें तो ये लैक ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ए डिस्ट्रीब्यूशन आर डेटा सेट इज सिमेट्रिक इफ, कब हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है, अगर उसका शेप, शेप का मतलब क्या हुआ कि आपके डेटा से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हिस्टोग्राम बनाए, हिस्टोग्राम से ऊपर आप उसके ऊपर कर्व ड्रा करें, तो जो शेप आएगा, हाँ जनरली हम लोग उसे शेप कहते हैं। हिस्टोग्राम से भी हमें शेप क्लियर हो सकती है, और नहीं तो फ्रीक्वेंसी कर्व बना करके हम शेप को जानते हैं। जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व से ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन आप हिस्टोग्राम से भी ये बात कर सकते हैं। तो कब हम कहेंगे सिमेट्रिक, जबकि वो अपने सेंटर से, डेटा के सेंटर से, जनरली सेंटर का मतलब होता है मीन। तो डेटा के सेंटर से दोनों तरफ उसका एक ही तरह का नेचर हो, हाँ तब हम कहेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो इसका मतलब कि कोई लैक नहीं है सिमेट्री की, इसलिए स्क्यूनेस उस समय जीरो होगा। अब इस सिमेट्री को समझने के लिए हम आपको कुछ फिगर से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा सेट है एक्स, इसकी वैल्यू -3 से +3 के बीच में है, और जो भी इसके ऑब्जर्वेशन हैं वो सभी एक एक बार आए हैं, तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, एक हुई। हाँ, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट इसलिए कि हम हर पॉइंट, हमारा हर पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट है, और यूनिफॉर्म इसलिए कि हर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी एक ही समान है। अगर दो भी रहता हर जगह तो भी हम बोलते हैं कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी को देखते हुए इसका कर्व ड्रॉ करें, एक स्मूथ कर्व बनाएं, तो हमको ये लाइन मिलता है। हाँ, अब ये हमारे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है। अब इस शेप को अगर हम यहां से
ये हमारा सेंटर है जीरो। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, हाँ, तो इस लाइन को मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसका एक इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर यहां से हम लाइन ड्रॉ करें तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल्स टू वन। अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ करें तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। हाँ, अब इसमें अमूमन आप लाइन के इक्वेशन में जानते हैं कि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सी तब होता है जब आपकी लाइन एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। जब आपकी लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है तो सी हमेशा जीरो होता है। इसलिए चूंकि ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है, इसलिए जब हम इस यहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, तो हम उसका इक्वेशन बोलेंगे एक्स इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हमारे इस कर्व को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है, और दोनों पार्ट अगर हम इसको उठा करके उल्टा फोल्ड करके इसके ऊपर रखें तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर कवर कर जाएगा। तो अगर ऐसा कोई शेप है जिसमें कि आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, हाँ, और जनरली हम लोग स्टेटिस्टिक्स में वो हमारे लिए मीन होना चाहिए या सेंटर होना चाहिए, ठीक है, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट वो सिमेट्रिक अगर है तो हम कहेंगे कि स्क्यूनेस जीरो है, या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, और अगर सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस जीरो है। अब एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी डेटा माइनस थ्री से थ्री के बीच में मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन अब ये हर पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर नहीं, वैल्यू ले रहा है। अब इसमें जितने भी इनफिनाइट पॉइंट हैं, हर इनफिनाइट पॉइंट पर इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी जा रही है 0.4 तक। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये जीरो। अब यहां से ये इस तरफ जैसा नेचर लिए हुए है वैसा ही नेचर इस तरफ लिए हुए है, और अगर हम इसको वहां उसके ऊपर उल्टा बैठाएं तो ये एकदम हूबहू इस शेप को कवर कर लेगा, कहीं भी इस शेप से वो आगे पीछे नहीं रहेगा। इसका मतलब हुआ यह शेप भी सिमेट्रिक है। हाँ, और ये बहुत वेल नोन शेप है जिसे हम लोग कहते हैं बेल शेप, और या कुछ लोग इससे जनरली हम लोग नॉर्मल शेप बोलते हैं, या कहते हैं कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, यहाँ कहते हैं एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो अगर ऐसा शेप है तो भी स्क्यूनेस की प्रॉब्लम नहीं है, इसका शेप ये भी स्क्यूनेस जीरो रखे हुए है। तो इन दोनों शेप्स में हमको स्क्यूनेस जीरो मिलेगा। अब इस शेप में एक सिंगल पीक है, यहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके अलावा इस शेप का इससे ऊंचा कहीं कोई पॉइंट नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि यह शेप यूनिमोडल है, मींस इसके का एक यूनिक मोड मिलेगा, यूनिमोडल है। लेकिन अगर हम इस शेप की बात करें तो इस शेप में पीक यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, माइनस वन के ऊपर भी वन है, जीरो, तो हर जगह इसका पीक जो है सेम है। इसका मतलब हुआ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिक पीक नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी मोडल है, ठीक है, मल्टी मोडल है, मतलब एक से ज्यादा मोड है। अगर दो ही पॉइंट पे रहता तो कहते बाई मोडल है। तो अब ये दोनों सिमेट्रिक है इसलिए स्क्यूनेस जीरो। एक से और देखते हैं, ये से कुछ यू अक्षर के जैसा है, या इसको लोग बोलते हैं बाथ टब डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू हमारी वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 8, ठीक है। अब इसका जो पीक है वो अब यहां पर भी पीक है और यहां पर भी पीक है, यानी कि ये इस फिगर की हाइट 20 से थोड़ा सा ज्यादा 22 तक जा रहा है जीरो पर,
और 28 पर भी जा रहा है 22 पर। अब इसका मतलब हुआ कि इस फिगर का भी, ये भी फिगर सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें इसके बीच से तो ये इसको दो सिमिलर पार्ट में कट कर देगा, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। और ये बाई मोडल है, इसके दो मोड हैं, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी मोडल था। हाँ, अब अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका भी स्क्यूनेस जीरो होगा, ठीक है। अब कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखें, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिगर, ये जो फिगर है पर्टिकुलर, ये फिगर ये हमने कॉपी किया हुआ है विकिपीडिया से, तो मैं इसे मेंशन कर रहा हूं। इस फिगर में भी सिंगल पीक है, यूनिमोडल है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमारा ये डेटा यहां से लेकर के और यहां तक स्प्रेड है एक्स, और इसका मिड कहीं यहां होगा। अब यहाँ पे सेंटर से लाइन डालें हम, तो हमको ये सेंटर के दोनों तरफ जो हमारा सेफ है वेरिएबल का या डेटा का, वो सिमिलर नहीं है, तो हम कहेंगे यह डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक है। सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूशन भी एसिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री की लैकिंग है सिमेट्रिक की। सो देयर इज लैक ऑफ सिमेट्री इन बोथ डिस्ट्रीब्यूशंस। अब यहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू कुछ आएगी। अब अमूमन इस तरह के शेप को हम लोग कुछ पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं। एक तो होता है टेल के नाम से पुकारते हैं, जैसे इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल स्क्यूनेस या लेफ्ट स्क्यूड, और इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड। अब ये कैसे बोलते हैं, तो जो हमारी ये टेल है, हमारे जिस हैंड की ओर ये लंबी होगी उस तरह से इसका नाम बोलेंगे। जैसे इस फिगर में ये लेफ्ट साइड में लंबा है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड या लेफ्ट टेल्ड स्क्यूनेस। ये राइट साइड में स्क्यूड है, तो इसको बोलेंगे राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर ये आपका राइट स्क्यूड है तो पीक हमेशा क्या होगा, लेफ्ट में मिलेगा, और अगर ये लेफ्ट स्क्यूड है तो इसका पीक हमको राइट साइड में दिख रहा है। अब पीक के आधार पर इसको एक और नाम हम लोग देते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड। अब अगर आपका ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूनेस है, और इसका राइट टेल लंबा है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री की प्रॉब्लम रहेगी। सिमेट्री जानने से फायदा क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, जैसे अगर ये हमको मालूम है कि ये सिमेट्रिक है, नॉर्मल से सिमेट्रिक है, तो हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जैसे यहां से 1 की दूरी पर चलें इधर, और यहां से 1 की दूरी पर इधर चलें, तो हमारे जितना भी डेटा हमारे पास है उसका 68% डेटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा। हाँ, लगभग 95% डेटा हमारा -2 से +2 के बीच में अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं सिमेट्री से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। एसिमेट्री में हमें ये बातें कहने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट ना दे पाए, इसलिए हम सिमेट्री को जानना चाहते हैं कि हमारे डेटा की सिमेट्री है कि नहीं, तो हमारे स्टेटमेंट्स देने का तरीका थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। एनीवे, तो अगर ये पॉजिटिव स्क्यूड है और हम इस पीक से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो यहाँ पे हमको कोई अपने डेटा की वैल्यू मिलेगी, जो हमारे डेटा सेट की वैल्यूज है। अब ये वैल्यू जो भी होगी, इसी को हम लोग अपने डेटा सेट का बोलते हैं मोड। तो अब इसका मतलब कि यहाँ जो भी वैल्यू लिखा होगा वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, पूरे डेटा सेट का मिडिल पार्ट।
अगर अरेंज किया हुआ है तो आप मिडिल पे जाके देखते हो कि क्या लिखा हुआ है, तो मीडियन कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ की वैल्यू हमेशा ये दूरी इतनी हुई, ये दूरी इतनी हुई, इसलिए मोड जो है हमेशा छोटा होगा मीडियन से। अब ये कहा जाता है कि ऐसे केस में मीन हमको इस साइड में मिलेगा, राइट साइड में, हाँ तो हमेशा इस साइड में मिलेगा इस सिचुएशन में, तो इसका मतलब है कि मीन कहीं यहाँ होगा। तो अब अगर हम लोग इसके आधार पे ये तीन रिलेशन डेवलप किए जाते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो उस डेटा का मोड मीडियन से छोटा होगा या हो सकता है बराबर हो जाए, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, और मीडियन जो है मीन से छोटा होगा, यानी कि पॉजिटिव स्क्यूड अगर है तो मीन मीडियन मोड में सबसे बड़ी वैल्यू मीन की आएगी, ऐसा माना जाता है और इन जनरल ऐसा पाया भी जाता है। हम आगे आपको बताएंगे कि हो सकता है कि किसी डेटा सेट के साथ ये रिलेशन होल्ड ना करे। सिमिलरली अगर इसमें आप देखेंगे तो मोड की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, तो मोड इतना डिस्टेंस लिए हुए है, मीडियन कहीं इधर आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि मीन सबसे छोटा होगा, मीडियन उससे बड़ा होगा और मोड उन दोनों से बड़ा होगा। तो ये सिचुएशन नेगेटिव स्क्यूड के केस में होगा और ये सिचुएशन पॉजिटिव स्क्यूड के केस में हमें मिलेगा। नेगेटिव स्क्यूड में आपको लेफ्ट टेल बड़ी मिलेगी, राइट टेल बड़ी मिलेगी पॉजिटिव स्क्यूड। तो इस तरह से हम लोग स्क्यूनेस के विषय में अब कुछ कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। क्या स्क्यूनेस मीन्स डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री। अगर स्क्यूनेस है इसका मतलब कि आपका डेटा सिमेट्रिक फिगर से डिपार्च कर रहा है। अब अगर सिमेट्रिक है, यूनिमोडल है या मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने फिगर वन और टू देखा था, फिगर वन हमारा जो यूनिफॉर्म का था वह मल्टीमोडल था और जो बेल शेप वाला था वो यूनिमोडल था। अब एक सिमेट्रिक यूनिमोडल या मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस हमेशा जीरो होगा, ये तो पक्का है। हाउएवर ए यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्क्यूनेस जीरो, मान लीजिए कि आपका स्क्यूनेस जीरो आ गया, ठीक है, उल्टा मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने क्या बोला कि सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस जीरो होगा, अब मान लीजिए कि आपने किसी डेटा का स्क्यूनेस निकाला और वो जीरो आ गया और आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिक भी हो। आप इसके लिए विकिपीडिया देख सकते हैं कंफर्म होने के लिए। दूसरी चीज कि स्क्यूनेस इज नॉट डायरेक्टली, हमने पीछे वाले स्लाइड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड के केस में हमने आपको दिखाया था कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो मोड छोटा होगा मीडियन से, मीडियन छोटा होगा मीन से। हाँ, नेगेटिव स्क्यूड में भी कुछ हमने कुछ रिलेशन डिप्लाइड किए थे इन तीनों के बीच में, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि स्क्यूनेस इस रिलेशनशिप के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है या डायरेक्टली ये रिलेशनशिप स्क्यूनेस से डेवलप नहीं होती। अगर कोई हो सकता है कि कोई नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि पहला वाला शेप था हमारा स्क्यूड वाला, हाँ, उस केस में हो सकता है कि मीन बड़ा आ जाए मीडियन से या उसके बराबर आ जाए, या पॉजिटिव स्क्यूड में भी ऐसा हो सकता है। इस बात को समझने के लिए, और जनरली ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपका डेटा डिस्क्रीट होता है, जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्क्रीट रखते हैं। अगर आपने अपने डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस टाइप के बना करके ये सब बातें निकाली तो इस तरह के प्रॉब्लम्स इरेडिकेट हो जाते हैं। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तब ये सिचुएशन आएगी जैसे
मान लीजिए कि हमने एक सर्वे किया और हमने देखा कि परिवार में कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें एक सदस्य है, दो सदस्य है, तीन सदस्य है, चार है और पांच है, और हमको उस स्टडी में एक फैमिली मेंबर वाले 1100 परिवार मिले, दो फैमिली मेंबर वाले 1400 परिवार मिले, तीन फैमिली मेंबर वाले 250 परिवार मिले, इस तरह से हमें डेटा मिला। अब अगर मैं इसका स्क्यूनेस निकालूं तो ये आएगा 0.968। हाँ, ये स्क्यूनेस मैंने मोमेंट बेस्ड निकाला है, आगे मैं आपको फार्मूला इसका दिखाऊंगा कि कैसे ये निकाला जाता है। मोमेंट के विषय में मैं अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ, हाँ, कि ये किस मोमेंट से हम लोग, मोमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप मीन को डेविएट कराते हैं, डेविएशंस लेते हैं ऑब्जर्वेशंस का मीन से और उसके डिफरेंट पावर्स के डेटा का मीन निकालते हैं तो हम लोग उन्हें मोमेंट्स बोलते हैं, सेंट्रल मोमेंट। हाँ, तो हमने इसका मोमेंट निकाला, स्क्यूनेस निकालने के लिए जिस मोमेंट की हमें जरूरत है उसको निकाला, हम आगे बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं ये एक्स है माना, इसको ये फ्रीक्वेंसी माना, तो x इंटू एफ, एफ एक्स मिल गया, इसको जोड़ा, समेशन f से भाग दे दिया तो हमको इसका मीन मिल गया। अब हमने 1 माइनस मीन इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 माइनस मीन इंटू फ्रीक्वेंसी, 3 माइनस मीन इंटू फ्रीक्वेंसी और इस तरह से करके मैंने इसे डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया। अब अलग अलग डेविएशन के पावर के साथ अलग अलग किया तो हमको म्यू टू मिल जाएगा, म्यू वन निकालेंगे तो जीरो आएगा, म्यू टू मिल जाएगा, म्यू थ्री मिल जाएगा, म्यू फोर मिल जाएगा। हाँ, और इसके आधार पे हम लोग स्क्यूनेस निकालें। अब देखिए, ये है तो पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड में हम लोगों ने क्या देखा था कि मीन मोड जो होगा छोटा होगा मीन से, और अगर आप इस डेटा का मोड निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी दो के करेस्पॉन्डिंग है, इसका मोड होगा दो। मीडियन निकालेंगे तो मीडियन आएगा दो, लेकिन अगर इसका मीन निकालते हैं तो मीन आएगा 1.74। तो ये जो बात हम लोगों ने वहां का रिलेशनशिप डेवलप किया था, ये रिलेशनशिप हमेशा वैलिड नहीं होगा, हर तरह के डेटा के लिए वैलिड नहीं होगा, और स्पेशली अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है तो प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस तरह का डेटा लेकर के ये कर रहे हैं। अब इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, फिर से हम आते हैं कि हमें मालूम है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, चाहे हमने फिगर बना के देखा हो, चाहे कुछ मैथमेटिकल टूल लगा के देखा हो, मैथमेटिक्स में बहुत सारे रूल हैं जो किसी की सिमेट्री के विषय में बताते हैं। तो ये पक्का है कि मीन और मीडियन बराबर होंगे अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो, और स्क्यूनेस जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सिमेट्रिक के साथ साथ यूनिमोडल है, जैसे बेल शेप वाला सिमेट्रिक भी था यूनिमोडल भी था, उस केस में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म के केस में क्या था, सिमेट्रिक तो था लेकिन मल्टीमोडल था, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन और मीडियन सेम मिलेगा अगर आप निकालेंगे तो। इसी तरह से जो हमने थर्ड फिगर दिखाई थी बाथटब टाइप की, वो भी सिमेट्रिक था लेकिन वो भी बाई मॉडल था, तो अब उसमें आपको मीन मीडियन मोड तीनों बराबर नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा, मीन और मीडियन। तो इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज यूनिमोडल, देन मीन इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। हाउएवर कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब कि अगर आपके डेटा का स्क्यूनेस जीरो आ गया, इसका कोई जरूरी नहीं है इस केस में कि मीन और मीडियन इक्वल ही हो। सम स्पेशल केसेस में ऐसा नहीं हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने सिमेट्री नहीं चेक करी, आपने क्या निकाला, सीधे स्क्यूनेस निकाला, स्क्यूनेस जीरो आ गया, और आप अगर क्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मीन और मीडियन बराबर होंगे, तो ये हो सकता है कि आपको किसी केस में ऐसा ना मिले, लेकिन अगर सिमेट्रिक है तो पक्का है कि मिलेगा।
हाँ, कुछ रूल ऑफ थम्स को आपको उसको देख करके जान जाए। तो इसमें अगर आपका जो है मोड, जो सिंगल मोड है यानी कि यूनि मोडल डेटा है आपका, तो मोड वाली वैल्यू के पहले जितनी फ्रीक्वेंसी है और उस मोड वाली वैल्यू के बाद में जितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर उनका सम बराबर आ जाता है तो हम लोग मानते हैं कि स्क्यूनेस नहीं है डेटा में। डेटा में स्क्यूनेस नहीं है। हम फिर नहीं कह रहे हैं कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यूनेस नहीं है। दूसरा है कि अगर फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल आपके डेटा का, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल दोनों की दूरी मीडियन से बराबर है, मीन्स Q2 माइनस Q1 एंड Q3 माइनस Q2 सेम आ जाए, तो आपके डेटा में कोई एसिमेट्री नहीं है, डेटा आपका सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर फर्स्ट और नाइन्थ डेसाइल और फर्स्ट और 99th परसेंटाइल का मीडियन से डिस्टेंस बराबर मिल जाता है तो भी एसिमेट्री नहीं रहेगी आपके डेटा में। इसके अलावा अगर आपने अपने डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया है और जब आप मीन से डेविएशन ले रहे हैं या मीडियन से डेविएशन ले रहे हैं या मोड से डेविएशन, किसी एक से जब आप डेविएशन करा रहे हैं, तो कुछ डेविएशंस पॉजिटिव आएंगे, कुछ डेविएशंस नेगेटिव आएंगे। अब अगर पॉजिटिव सम डेविएशन, इफ सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ऑब्टेंड फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड आर इक्वल, देन देयर इज नो एसिमेट्री। बट मीन से तो ये हमेशा इक्वल आता है दोनों डेविएशन। हमारे ख्याल से ये मीडियन और मोड के लिए होगा, मीन शब्द इसमें से चेक करना होगा। ये भी हमने विकिपीडिया से कॉपी किया है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, तो मुझे एक बार इसे वेरीफाई करना होगा कि मीडियन और मोड ही है, क्योंकि मीन से तो हमेशा डेविएशंस ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस हमेशा जीरो होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं इसे क्लैरिफाई करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये आइडिया है स्क्यूनेस की। अब कुछ मेथड्स हैं कि जिसे कि कैलकुलेट किया जाता है, हम शेप ना बनाए, हम स्क्यूनेस की आइडिया जनरेट करने के लिए करें। तो कुछ मेथड कार्ल स्पियर्सन्स के हैं जो कि मीन, मीडियन और मोड के डिस्टेंस पर निर्धारित होते हैं। तो वो है मीन माइनस मोड, इसके डिस्टेंस को निकाल लीजिए। अब अगर मीन आपका छोटा है मोड से तो ये नेगेटिव होगा, और एस डी, हमें ये एस डी है डेटा का, ये पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाएगा। कभी कभी आपके डेटा का मोड, यूनिक मोड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लोग एक रिलेशन यूज करते हैं कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और उसके आधार पर मोड की वैल्यू यहाँ रख करके इसे निकाला जाता है। लेकिन ये रूल हमेशा यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड है। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब क्या हुआ कि आपका जो शेप है वो बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं कर रहा है सेमेट्री से, सेमेट्री के काफी क्लोज में लिए हुए है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि मॉडरेटली है। उसी केस में हम मोड को रिप्लेस करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन से। और एक थर्ड मेथड है जो कि क्वार्टाइल पे डिपेंड करता है, उससे स्क्यूनेस की वैल्यू निकाली जाती है। और ये चूंकि सभी सारे ऑब्जर्वेशंस को, मतलब अमूमन ये क्वार्टाइल तो नहीं लेता है, मीन तो सारे ऑब्जर्वेशंस लेता है। हाँ, जनरली लोग इन्हें नॉन पैरामेट्रिक मेथड बोलते हैं। इससे आप निकालेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 to +1 जाएगी। ये भी कुछ गलत लिख गया है, पहले -1 होना चाहिए फिर +1। इसकी वैल्यू -3 to -3 होती है, इसकी वैल्यू -1 to -1 होती है। लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वह है मोमेंट मेथड। मोमेंट मेथड क्या है कि ये थर्ड स्टैंडर्डाइज्ड
मोमेंट है, सेंट्रल मोमेंट। थर्ड स्टैंडर्डाइज्ड सेंट्रल मोमेंट। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है कि अगर आप डेविएशन में एस डी से भाग दे दें तो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है म्यू थ्री, हाँ, तो थर्ड मोमेंट एक्स माइनस एक्स बार का पावर थ्री, इसका जब डेटा आप निकालेंगे और इस डेटा का मीन निकालेंगे तो मिलेगा म्यू थ्री। अब म्यू थ्री अपॉन सिग्मा, सिग्मा का मतलब हुआ एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर के डेटा का मीन और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो इससे आप इस क्यूनेस निकालते हैं। हाँ, जनरली हमने जो पीछे एग्जांपल निकाला हुआ था वो पॉजिटिव स्क्यूट के केस में हमने जो निकाला था और कहा था कि बाद में बताएंगे, वो कैलकुलेशन हमने इसी फार्मूले से किया था। हाँ, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो लोग मोमेंट मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सारे मेथड लोग ये डायरेक्ट इस फार्मूले को नहीं इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसमें करेक्शन फैक्टर डालते हैं, सम एडजस्टमेंट फैक्टर डालते हैं सैंपल साइज को देखते हुए, और उसके बाद स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं। जनरली जो कॉमन यूज करते हैं वो ये फार्मूला करते हैं, ये एक्स आपका डेटा है, एक्स बार का उसका मीन है, और ये आपका थर्ड सेंट्रल मोमेंट है, ये सिग्मा के पावर क्यूब, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है डेटा का उसका पावर क्यूब, और ये जो चीज है अमूमन यही वो मल्टीप्लायर यूज करते हैं करेक्शन एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत और भी करेक्शंस लोग यूज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप जाएं तो ये फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। आप उसकी हेल्प फाइल में जाकर के पढ़ें कि वो कौन सा एक्सेल का फार्मूला एसक्यूनेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज करते हैं। अगर आपको इसके कैलकुलेशन के डिफरेंट फार्मूला को देखना है तो आप विकिपीडिया क्लिक करें, आपको वहां पे इसकी जानकारी मिलेगी। और इसके वेरिएंसेस कैसे निकलते हैं, अगर ये सैंपल डेटा है, सैंपल डेटा से आप कर रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड एरर भी निकलेगा, और उसका स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए इस एस्टिमेटर का वेरिएंस पता होना चाहिए, तो आप वहां से वो वेरिएंस भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं कुर्टोसिस पर। तो कुर्टोसिस को लेकर के बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं कि ये है क्या, ये मेजर क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर भी मैं कोई भी बात बहुत कंफर्म होकर आपको नहीं कहूंगा कि ये क्या करता है, जो लिटरेचर में हमें मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। जनरली हम लोग अपने बुक्स में या जो अपने पढ़ते समय पाए थे वो ये पाए थे कि यह डेटा के पीकनेस को मेजर करता है, कि हमारा डेटा कितना शार्प है, कितना नुकीला है, उसकी पीक या कितना चपटा है, और ये सारा का सारा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, केवल बेल शेप ही डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो बेल शेप में हम आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको कि चेक किया जाता है कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम कहेंगे नॉर्मल, केवल फिगर को बेल शेप देख करके हम नहीं बोलेंगे कि ये नॉर्मल है। तो ये तीनों के तीनों बेल शेप हैं। ये मिडिल वाला माना जाता है कि ये नॉर्मल है। अब अगर ये दूसरा बेल शेप है, इन तीनों का मीन अगर आप देखेंगे तो तीनों का पीक एक ही जैसे है, तीनों सिमेट्रिक आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब तीनों का स्क्यूनेस जीरो होगा, तीनों का मीन सेम है। अब आपको चूज करना हो कि इस तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का खिलाड़ी, मान लीजिए कि आपके पास तीन क्रिकेटर हो और आपको चुनना हो कि किस क्रिकेटर पे हम बाजी लगाएं, तो किस तीनों का एवरेज बराबर है, तीनों खिलाड़ियों का, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तीनों के स्क्यूनेस जीरो है। स्क्यूनेस जीरो का मतलब ये भी हुआ कि दोनों तरफ के टेल की लंबाई बराबर है, हाँ, कि कोई ना तो लेफ्ट टेल ना तो राइट टेल ज्यादा छोटा बड़ा है, ठीक है।
तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस सिमिलर दिख रहा है, मीन बराबर है। अब अगर हमें लगाना है बाजी तो हम किस पे लगाएं, ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर सी है। अब अगर आप डेटा का स्प्रेड देखें तो प्लेयर ए मीन तो उतना ही दे रहा है लेकिन इसका डेटा काफी कम फैला है, इसकी पीकनेस ज्यादा है इन कंपैरिजन। तो जब पीकनेस ज्यादा रहेगी तो डेटा क्या होगा, श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो इसका मतलब कि वेरिएबिलिटी कम होगी, तो इसका मतलब है कि डेटा प्लेयर ए का जो डेटा है भले ही तीनों का मीन बराबर है लेकिन इसके डेटा में स्प्रेड कम है, जबकि बी के डेटा का मीन तो उतना ही है लेकिन इसका स्प्रेड ए के डेटा के स्प्रेड की तुलना में ज्यादा है और सी का इन दोनों की तुलना में ज्यादा है। तो जब भी आपके डेटा का सेप जितना ही चपटा होगा वेरिएबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो अमूमन इसके आधार पे ये कहा गया कि ये नॉर्मल से ये ज्यादा शार्प है, ये नॉर्मल से कम शार्प है। इसको कहा गया कि ये जो शार्पनेस मेजर करेगा वो स्क्यूनेस करेगा। स्क्यूनेस की वैल्यू अगर ऐसी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल से ज्यादा शार्प है या कुछ इस तरह की चीजें। अमूमन इसको बोलते हैं मेसोकुल्टिक, इसको बोलते हैं प्लेटिकुल लेप्टोकुल्टिक, और थर्ड वाले को बोलते हैं छिछला है इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटिकुल्टिक। ये एक पहले से चली आ रही धारणा है जो हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ, और ये बहुत ओल्ड एस्टेब्लिश्ड थियरी है जिसपे की बाद में ऑब्जेक्शंस उठाए गए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों ही नॉर्मल है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुर्टोसिस की वैल्यू आती है 3 मोमेंट मेथड से, ठीक है। तीनों का मीन जो है एक ही है लेकिन इसका स्प्रेड कम है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। हाँ, अब तीनों के तीनों ही जब सिमिलर हैं, हाँ, तो हम कैसे कहें कि इसका कुर्टोसिस ज्यादा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का कुर्टोसिस कम है। एक ये प्रॉब्लम है, हाँ, कि तीनों ही एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, वेरी किससे कर रहे हैं सिग्मा से, लेकिन कुर्टोसिस की वैल्यू तीनों की एक ही आएगी। हाँ, तो अब हम कैसे कहेंगे कि इसका कुर्टोसिस इसके कुर्टोसिस से ज्यादा है, इसका कुर्टोसिस इसके कुर्टोसिस से कम है। पीक तो ज्यादा है, इसका शार्प है, इसका पीक इससे कम शार्पनेस लिए हुए है, फैला हुआ है, लेकिन क्रोटोसिस की वैल्यू तो 3 आ रही है। देन हम क्रोटोसिस के आधार पे कैसे कहें कि ये मेसोकुल्टिक है, ये प्लेटिकुल्टिक है और ये लेप्टोकुल्टिक है। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसका पीक किसी पर्टिकुलर पैरामीटर वैल्यू के लिए, इसका पीक नॉर्मल के पीक से ऊपर भी जा सकता है, किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए इसका पीक नॉर्मल की पीक से नीचे भी आ सकता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग कुर्टोसिस निकालें थ्योरेटिकली तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुर्टोसिस से ज्यादा आता है, जबकि पीक जो हमारा है वो नॉर्मल के पीक से हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो। तो ऐसे केस में इस पे ऑब्जेक्शंस उठाए गए कि एक्चुअली पीकनेस को मेजर करता है ये कहना उतना लॉजिकल नहीं है। इसके लिए इस पे आप बहुत सारे जर्नल्स पा जाएंगे, फिर हम आपको कहेंगे कि अगर आप इसे जानने की इच्छा रखते हो तो विकिपीडिया में जाएं, आपको इस पे डिटेल्स मिलेंगे। तो ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इनफाइनाइटली पीक विथ लो कुर्टोसिस एंड ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी परफेक्टली फ्लैट आर टॉप विथ इनफाइनाइट कुर्टोसिस। दस इट इज बीइंग सेड दैट कुर्टोसिस मेजर्स टेल्डनेस, पूंछ की लंबाई वो मेजर करता है, पूंछ कैसा, टेल उसका कैसा है, हाँ, इसको मेजर करता है, न कि ये
पीकनेस को। तो बाद की जो थियरीज आई हैं, बाद के जो रिसर्चर्स आए हैं, उनका ये कहना है कि ये टेल्डनेस मेजर करता है इन स्पाइट ऑफ पीकनेस। इट इज ऑल्सो सेड दैट, कुछ ऑथर्स ने ये भी कहा है कि ये आउटलायर मेजर करता है। हम देखेंगे हम लोग कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का टेल, एक टेल लंबा है दूसरे टेल से, लेफ्ट टेल राइट टेल से लंबा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके डेटा में लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा है और वो उसमें से कुछ आउटलायर भी होंगे। अगर ऐसा है तो टेल्डनेस, जब जब आप टेल देखते हैं तो टेल अमूमन आउटलायर से एसोसिएट होता है कि आपके टेल अगर लंबा है तो आपके डेटा में आउटलायर है। तो ये कहा गया कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ आउटलायर बताएगा अगर आप कुर्टोसिस निकाल रहे हो तो। ये भी पाया गया है कि कुछ लोगों ने इसे ये शो किया है कि आपके डेटा में बाई मॉडलिटी है कि नहीं, ये डिस्क्राइब करता है। तो हम इसे मान करके चल रहे हैं कि ये पीकनेस की बजाय हम लोग अगर टेल्डनेस की बात करें तो ये ज्यादा उपयोगी है, और इसी पर बहुत सारे कंक्लूजन आजकल शेयर मार्केट पे ड्रॉ हो रहे हैं इसके टेल्डनेस को लेकर कुर्टोसिस की वैल्यू से। अमूमन अगर कोई शेप ऐसा है तो आप इसे हम लोग बोलेंगे बेल से। अब इसका टेल देखिए, जैसा लेफ्ट टेल है वैसा राइट टेल है, टेल्डनेस इसमें नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक टेल लंबा है एक टेल छोटा है, सिमेट्रिक भी है। अब ऐसा अगर है तो हम लोग कहते हैं कि इसका टेल नॉर्मल है और यह मेसोकुर्टिक है, यह मेसोकुर्टिक है। ये भी आपको सेप बेल सेप टाइप का दिखा। अब इसके टेल देखिए, इसका जो है राइट टेल और लेफ्ट टेल दोनों ही लंबे हैं, हैवी हैं, हैवी है मतलब दूर तक जा रहे हैं, ठीक है, और पीक शार्प है। तो जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कुर्टोसिस होगा तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर हो सकता है कि कुछ इस तरह का हो, इस तरह का हो, ठीक है, मींस टेल लंबा है, टेल लंबा होने के अगर दोनों तरफ लंबाई लिए हुए है टेल, इसका मतलब है कि आपके डेटा में दोनों साइड में लोअर साइड हायर साइड दोनों तरफ आउटलायर है, और आउटलायर है तो इसका मतलब है कि आपके डेटा में बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे तो अनयूजुअल आएगा। इसे कहते हैं लेप्टोकुर्टिक, पीक रहेगा, शॉर्ट पीक रहेगा लेकिन टेल लेंथी होगा, टेल लंबा होगा, हैवी टेल होगा, दोनों साइड आइदर साइड में आपको मिल सकता है। ये है इसका टेल्डनेस, एकदम नहीं होगा। ऐसे केसेस में आपको कोई आउटलायर नहीं मिलेगा, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दोनों टेल बराबर मिलेंगी और वो एकदम छिछला है तो वो प्लेटिकुर्टिक है और टेल्डनेस उसमें नहीं है, तो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी, जो हमने पहली फिगर आपको दिखाई थी सिमेट्री में, उस फिगर में आपको कभी भी आउटलायर नहीं मिलते हैं। फ्लैट टेल्स ऑन आइदर साइड इंडिकेटिंग स्मॉल आउटलायर इन डिस्ट्रीब्यूशन, या स्मॉल भी नहीं मिलेगा अगर आपका प्लेटिकुर्टिक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में बेस्ट एग्जांपल होता है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए फिर हम लोग मोमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मोमेंट मेथड के लिए फोर्थ सेंट्रल मोमेंट निकालिए और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये म्यू टू वेरियंस होता है इसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरियंस का स्क्वायर कर दीजिए और फोर्थ मोमेंट ले लीजिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए, ये कुर्टोसिस आता है। अब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकुर्टिक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकुर्टिक है, और अगर आप इसकी वैल्यू पाते हैं 3 तो इसको कहा जाता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकुर्टिक है या नॉर्मल है। तो
अगर इसकी वैल्यू 3 आ जाती है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। अब इसके बाद अमूमन हम लोग एक टर्म इसमें लोग निकालते हैं डेटा एनालिस्ट, जिसे कहते हैं एक्सेस कुर्टोसिस। एक्सेस कुर्टोसिस इज इक्वल्स टू आपके डेटा का कुर्टोसिस कितना है, -3। अब अगर आपका डेटा नॉर्मल होगा तो एक्सेस कुर्टोसिस की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर नॉर्मल नहीं है तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 या मोर देन 0 आएगी। अब अगर ये मोर देन 0 आता है तो लेप्टोक्रोटिक, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो प्लेटिक्रोटिक। अमूमन सॉफ्टवेयर्स एक्सेस कुर्टोसिस ही निकालते हैं इन प्लेस ऑफ कुर्टोसिस। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर अगर आपको कुर्टोसिस की वैल्यू 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि आपका डेटा नॉर्मल है। तो प्लेटिक्रोटिक, मेसोक्रोटिक और ये चीजें। अब है कि ईजी कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूं। अगर आपको इसे निकालना है अपने डेटा से मैनुअली तो, अदरवाइज आप सॉफ्टवेयर यूज करके मांग सकते हैं। पहला है कि आप अपने डेटा का स्टैंडर्ड स्कोर निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड स्कोर निकालने का मतलब क्या है कि आप अपने डेटा का मीन निकालिए और एसडी निकालिए, और आप अपने हर पॉइंट में से मीन को माइनस करिए, एसडी से भाग दे दीजिए। इसे बोलते हैं जेड स्कोर। तो आप अपने डेटा का जेड स्कोर निकाल लीजिए, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर। हाँ, इसमें क्या होता है कि डेटा अगर आपके यूनिट लिए हुए है तो ये स्कोर्स जो आप आएंगे तो यूनिट फ्री भी हो जाता है। एक और फायदा है कि अगर आपके डेटा का मीन एसडी कुछ भी है, अगर आप उसे ये करेंगे तो आपके डेटा का मीन 0 हो जाएगा, एसडी 1 हो जाएगा। तो आप इसे स्टैंडर्डाइज्ड कर लीजिए। इसके बाद उस डेटा का फोर्थ पावर निकाल लीजिए। हाँ, जब ये निकल गया तो उसका मीन निकाल लीजिए, उस फोर्थ पावर वाले का, ठीक है। अब जब ये मीन निकल गया तो यही आपके कुर्टोसिस की वैल्यू है। अब आप अगर एक्सेस कुर्टोसिस निकालना चाहते हैं तो उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, आपको एक्सेस कुर्टोसिस मिल जाएगा। तो मैं इसे एक न्यूमेरिकल से आपको दिखा रहा हूं। ये भी न्यूमेरिकल मैंने विकिपीडिया से लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे उसे कोट कर रहा हूं। सपोज करिए कि ये डेटा है, रॉ डेटा है किसी ऑब्जर्वेशन स्टडी का। इसका स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर निकालने के लिए मैंने इस डेटा का मीन निकाला, इस डेटा का एसडी निकाला, जो भी मीन आया उसको 0 में से माइनस किया और अपॉन एसडी 3 में से माइनस किया, अपॉन एसडी 4 में से माइनस किया, अपॉन एसडी, और इस तरह से 999 में से माइनस किया अपॉन एसडी, तो हमको एक जेड स्कोर मिला या रॉ स्टैंडर्ड स्कोर मिला। इसमें कुछ प्लस मिलेगा, कुछ माइनस मिलेगा। हाँ, तो ये हमको रॉ स्टैंडर्ड। अब हमें क्या करना है, इसका पावर 4 कर देना है। तो मैंने कैलकुलेटर से इसका पावर 4 निकाला तो हमको पावर 4 की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसका मीन निकाल लेना है, अर्थमेटिक मीन। तो हमने इसको जोड़ा और इनकी संख्या से भाग दिया, ये मीन आया 18.05। ये कुर्टोसिस की वैल्यू है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा डेटा लेप्टोक्रोटिक है। अब एक्सेस कुर्टोसिस कितना है, तो आप इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, तो आया 15.5। अब आप कह सकते हैं कि हमारे डेटा में आउटलायर है, और आपको ये दिख भी रहा है 999 आउटलायर है आपके डेटा का। तो इट इंडिकेट्स आउटलायर। इसका मतलब है कि अब इस फिगर का अगर आप टेल देखेंगे तो आपको टेल इसकी लंबी मिलेगी, ठीक है। अब इस डेटा का हमने एक फिगर बना करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, ये देखें, ये टेल इसका इस तरह से है, ठीक है। तो इसी से हमारा अपना ओपिनियन है कि हम लोग कुर्टोसिस को अगर टेलनेस मेजर करने की बात करें कि टेल लंबा है कि टेल छोटा है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू पिक्टनेस। कुछ और भी लोग जगहों पे मोमेंट मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो लोग क्वार्टाइल और परसेंटाइल मेथड का इस्तेमाल करते हैं कुर्टोसिस को निकालने के लिए। और जनरली हमने कई जगहों पे एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लेक्चर्स में सुना है ऐसा। फिर मैंने खोजा तो मुझे ये मिला कि अगर आप
मीडियन अपॉन 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल निकाल लें तो ये कुर्टोसिस बताता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप इनको निकाल करके देखें तो ये आपको 0.263 देगा। और अगर इसकी वैल्यू 0.263 से बड़ी है आपके लिए, आपने इस मेथड से अगर निकाला मोमेंट मेथड से, तो ये प्लेटिकुल्टिक होगा, और अगर छोटी है तो ये लेप्टोकुल्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जनरली लोग इसको भी यूज करते हैं। हमारा जो ऐसा ओपिनियन है कि अगर आपका डेटा आउटलायर लिए हुए है या आपका डेटा सिमेट्री की प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कि उस समय में पोजिशनल एवरेज ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसको करना चाहिए ये हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह का हमें कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला कि हमें क्या चूज करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग पोजिशनल एवरेज को इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे डेटा में सिमेट्री की प्रॉब्लम होती है, तब करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हम लोग मेजर यूज करते हैं। जनरली लोग उसे मेजर ऑफ इनइक्वालिटी भी ट्रीट करते हैं, इकोनॉमिक्स के लोग, शेयर मार्केट के लोग और एग्रीकल्चर के लोग, बहुत सारे फील्ड्स में, जियोलॉजी में, फिजिकल साइंसेज में इस टूल को यूज करते हैं लोग, जिसे कहते हैं मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। और इसमें हम दो नए चीजों को यूज करेंगे। जनरली जब हम अपने डेटा का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन निकाल लेते हैं तो उसकी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं, लेकिन अगर साथ साथ हम उसके थर्ड और फोर्थ मोमेंट ही निकाल लें तो हम एडिशनल नॉलेज जान जाते हैं कि हमारे वो शेप को डिस्क्राइब करता है स्क्यूनेस और प्रोटोसिस। तो मेनली यही हमारे मेन डिस्क्रिप्टर हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, किसी भी सिंगल वेरिएबल के लिए, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए। अब कुछ और जो टूल्स लोग यूज करते हैं वो कंपैरिजन के पर्पज से यूज करते हैं, हाँ, और वो है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन एंड कंसंट्रेशन रेशियो। तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, इसे हम लोग रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, और यह एक डिस्पर्सन का स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है। अमूमन जब हम लोग डिस्पर्सन निकालते हैं या एसडी निकालते हैं तो मीन से डेविएशन लेते हैं, यानी कि इन रिलेशन विथ मीन हम डेविएशन को देखते हैं। हाँ, अब अगर हम कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं तो हम लोगों की ये कोशिश होती है कि इसको हम पर यूनिट ऑफ मीन कर दें, हाँ, कि हम एक यूनिट मीन पर हमारा एसडी कितना है। तो ये इसका पर्पज है। तो इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, परसेंटेज में ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, किया जाता है। निकाला कैसे जाता है कि आपके वेरिएबल का मीन होगा, आपके वेरिएबल का एसडी होगा, आप एसडी अपॉन मीन कर दीजिए, ये एक नंबर आएगा। जनरली ये 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा, लेकिन अगर आपका डेटा आउटलायर से ज्यादा अफेक्टेड है तो हो सकता है कि एसडी आपका मीन से बड़ा आ जाए, और एसडी अगर बड़ा आता है मीन से तो ये डिवीजन जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, और उस केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर देन 100% आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है। जनरली इसको हम लोग डाइवर्स नेचर में, अगर आपके दो डिस्ट्रीब्यूशन आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दूसरी सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि आपका वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो हो सकता है कोई ना कोई इसके लिए हुए हो, कोई ना कोई मेजरमेंट यूनिट लिए हुए हो, जैसे हाइट है तो सेंटीमीटर में है, वेट है तो किलोग्राम में है। अब अगर आप हाइट और वेट को कंपेयर करना चाहते हैं कि वेरिएबिलिटी हाइट में ज्यादा है कि वेट में ज्यादा है आपके डेटा में,
यह एक ऐसा टूल आपको मिलेगा कि इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जब आप हाइट का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो सेंटीमीटर उसमें से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एसडी सेंटीमीटर में मीन सेंटीमीटर में तो डिवाइड करेंगे तो यूनिट फ्री हो गया। इसी तरह से आप वेट का भी कर सकते हैं और इस तरह से डाइवर्स सिचुएशन में आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिट फ्री हो जाता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे दो स्टेट्स हैं और दो स्टेट्स में स्टेट ए में आपने एक एक्सपेरिमेंट 817 फील्ड में किया और स्टेट बी में उसी चीज पर 561 फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट किया। स्टेट ए से जो आपको मीन प्रोडक्शन मिला फील्ड से वो मिला 2417 केजी पर हेक्टेयर और स्टेट बी से आपको जो मिला 2235 केजी पर हेक्टेयर और ये एसडी मिला 418 केजी। अब अगर हम यहाँ से देखें तो वेरिएबिलिटी स्टेट ए में तो ज्यादा है प्रोडक्शन में, स्टेट बी में ज्यादा कम वेरिएबिलिटी है, तो हम इसके मीन पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका मीन ज्यादा है, हाँ एसडी भी ज्यादा है, इसका मीन कम है एसडी कम है, तो अब एवरेज के हिसाब से तो हमको स्टेट ए बेटर लग रहा है, लेकिन एसडी के हिसाब से तो हमको स्टेट बी बेटर लग रहा है। तो अब अगर हमें इसको कंपेयर करना है कि हमारे में किस स्टेट में प्रोडक्शन को लेकर के इनइक्वालिटी या वेरिएशन कम है, हाँ तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मेजर कर सकते हैं कि किस स्टेट में प्रोडक्शन इनइक्वालिटी कम है या ज्यादा है। तो अगर हमने स्टेट ए का निकाला तो ये आया 17% स्टेट ए में और 10% स्टेट बी में। हाँ तो अब आप इससे आप स्टेट ए में कहेंगे कि इनइक्वालिटी ज्यादा है और स्टेट बी में प्रोडक्शन इनइक्वालिटी कम है। So the inequality in production A as inequality in production is more in state A as compared to state B. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या था कि हमारा दोनों ही स्टेट में जो वेरिएबल था वो सेम यूनिट में था। अब सपोज करिए कि ये पेट्रोल की प्राइस में चेंज है 5 दिनों का, ये US में है पर गैलन और ये इंडिया में है प्राइस में चेंज पर गैलन। अब हमें जानना है कि यूएस में इनइक्वालिटी ज्यादा है फ्लक्चुएशन प्राइस में कि इंडिया में क्या ज्यादा है, तो हम इसका मीन और एसडी निकाल सकते हैं। मीन आया $2.7 यूएस के लिए, 365 रुपीज इंडिया के लिए। अब अगर आप यहाँ कंपेयर करना चाहेंगे तो ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स में है, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हाँ एसडी भी हम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ एसडी कम है। अब यहाँ पे कंपैरिजन का बेटर वे है कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें। अब अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, देखिए एसडी यहाँ बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन अगर नंबर को देखते हैं तो अब एसटी निकाला हमने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला 6.85% 6.77%। इसका मतलब है कि पर गैलन प्राइसेस यूएस में इनइक्वालिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया, मींस इंडिया में कंसिस्टेंसी ज्यादा है इनइक्वालिटी कम है, यूएस में कंसिस्टेंसी कम है इनइक्वालिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये हम लोग इसको इन सब तरह के चीजों के लिए हम इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। इसका भी आपको अगर आप सैंपलिंग थी उस पे कर रहे हैं, एस्टिमेटर मान करके कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप स्टैंडर्ड एरर वगैरह के लिए आप इसके मैथमेटिकल बैकग्राउंड में जा सकते हैं और इस पे हाइपोथेसिस टेस्ट की भी बातें सोच सकते हैं। अब है कि ये हम किस तरह के डेटा पर करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें, तो नॉमिनल पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि आपका डेटा इसमें आपको मीन चाहिए एसडी चाहिए, ऑर्डिनल पे जाएंगे नहीं क्योंकि आपको मीन चाहिए एसडी चाहिए। तो अब बचा आपके पास इंटरवल डेटा या रेशियो डेटा। तो अब इंटरवल डेटा या रेशियो डेटा में से किस तरह के डेटा पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ये भी एग्जाम्पल हमने कॉपी किया हुआ है विकिपीडिया से।
मान लीजिए कि ये हमने 5 टेम्परेचर की वैल्यूज ली, इसका मीन सेल्सियस में है 20 डिग्री सेल्सियस, एसडी 14.14 डिग्री सेल्सियस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70.71%। अब हमने इसको क्या किया कि इसके फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर दिया इसी डेटा को। अब सेम डेटा मैंने फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर दिया, मीन चेंज हो गया, एसडी चेंज हो गया, लेकिन वेरिएबिलिटी भी चेंज हो गई, इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने तो डेटा तो चेंज किया नहीं, डेटा को बस ट्रांसफॉर्म किया। तो जब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डेटा की नेचर, डेटा की क्वालिटी खत्म नहीं हो जाती है, वो सारी की सारी क्वालिटी ट्रांसफॉर्म डेटा में जाती है। हाँ, लेकिन हमने यहाँ ट्रांसफॉर्म किया तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इनके चेंज आ गए। ठीक है, इसका कारण क्या है? अब मैं इस डेटा को, जो सेल्सियस डेटा है, इस डेटा को केल्विन डेटा में चेंज करता हूं। तो आप कैलकुलेटर, आप चाहें तो नेट पे खोज सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट चेंज द सेल्सियस डेटा इन केल्विन। तो उसमें आप कैलकुलेटर मिलेगा, आप उसमें 0, 10, 20, 30, 40 डालते जाइए, आपको ये चीजें मिलती जाएंगी। अब इस डेटा का हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला 4.82। फिर से मैंने इसी डेटा को एक दूसरे यूनिट में चेंज किया, रैंकाइन में, ये भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट है। अब फिर हमने जब इसको रैंकाइन में चेंज किया तो फिर इसका हमने जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला तो 4.82। अब इसमें देखिए, इन दोनों में 4.82 ही आया, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेंज हो गया। इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि ये दोनों ही डेटा जो हमारे हैं वो इंटरवल मेजरमेंट के हैं, स्केल मेजरमेंट के नहीं है। इनमें जीरो रियल मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो का मतलब होता है नो टेम्परेचर, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर है और ऊपर 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरवल हैं, लेकिन केल्विन और रैंकाइन ये स्केल मेजरमेंट है। हाँ, इसमें जीरो एग्जिस्ट करता है। अगर आपको जीरो केल्विन आप बोल रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर अब्सेंट है। जीरो रैंकाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर अब्सेंट है। अब अगर आपने इसमें किया तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेंज नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं तो आप उस समय कंफर्म हो लें कि आपका डेटा का नेचर इंटरवल स्केल का नो हो। जब भी हो तो कैसा हो, रेशियो स्केल का डेटा हो, तभी आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करें। तो ये हमारा एक सजेशन है। कंसंट्रेशन रेशियो भी इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक तरीका है। जनरली इकोनॉमिक टर्म में लोग इसको यूज करते हैं मोस्टली। सपोज करिए कि किसी देश का लोअर क्लास पूरे पॉपुलेशन में 60% है, मिडिल क्लास पूरे पॉपुलेशन में 30% है और अपर क्लास पूरे पॉपुलेशन में 10% है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रॉम अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर लोअर क्लास, 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर मिडिल आर लोअर क्लास, 100% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन आर अपर आर मिडिल आर लोअर क्लास। अब सपोज करिए कि किसी फैसिलिटी को, कंट्री के किसी फैसिलिटी को यूटिलाइजेशन की बात देखें। जैसे परसेंटेज शेयर रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में से इस क्लास को कितना परसेंट मिल रहा है। सपोज करिए कि 20% मिल रहा है, मिडिल क्लास को 30% मिल रहा है और अपर क्लास को 50% मिल रहा है नेशनल इनकम में से। इसका मतलब हुआ कि 60% ऑफ द लोअर पॉपुलेशन इज रिसीविंग 20% ऑफ द नेशनल इनकम, 90% ऑफ द मिडिल आर, 90% ऑफ द मिडिल आर लोअर क्लास इज रिसीविंग 50% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम।
and 100% of the population is receiving 100% of the national income. अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या हर कास्ट को शेयर इक्वल मिल रहा है कि नहीं, कि इनइक्वालिटी है सुविधाओं को पाने में, उनके परसेंटेज के अनुसार उनको सुविधाएं उनको उस तरह की मिल रही हैं कि नहीं। तो अगेन यहाँ पर हम एक इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। अब इसके लिए जो हम लोग टूल यूज करते हैं उसे कहते हैं लॉरेंज कर्व। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे एक हम लोग यहाँ से 45 डिग्री की लाइन बनाते हैं, हाँ, जो कि इक्वालिटी को दर्शाता है कि यहाँ पर जिसका जैसा रेशियो वैसा उसको शेयर मिल रहा है। इक्वालिटी मतलब कोई इनइक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में। अब अगर हम इस डेटा को, पॉपुलेशन डेटा को, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन को मैंने एक्स एक्सिस पर रखा, परसेंटेज शेयर को मैंने वाई एक्सिस पर रखा और ये कर्व बनाया, तो इस कर्व को बोलते हैं लॉरेंज कर्व। अब इस लाइन और इस कर्व के बीच में जितना ही गैप ज्यादा होगा उतना ही हम मानेंगे कि इनइक्वालिटी ज्यादा है। अगर ये इसके बीच में एरिया जीरो हो जाए, इस लाइन और इस कर्व के बीच की एरिया जीरो हो जाए, इसका मतलब है कि नो इनइक्वालिटी इज देयर। आम भाषा में आप कह सकते हैं कि राम राज है, ठीक है, कोई न दुखी है कोई न सुखी है। हाँ, तो इनइक्वालिटी होने के लिए हमें ये इनइक्वालिटी का फिर मेजर क्या हुआ, एरिया ऑफ दिस कर्व। अब इसको निकालने के लिए एक टूल यूज किया जाता है कि इस पूरे एरिया का कितना हिस्सा इसमें है, और इसे कहते हैं गिनी कोफिशियंट। गिनी कोफिशियंट निकाला जाएगा। अब गिनी कोफिशियंट मतलब एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंज कर्व अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस। अब इसकी वैल्यू हमेशा ये ट्रायंगल की एरिया इससे ज्यादा रहेगी, इसका मतलब है कि गिनी कोफिशियंट हमेशा एक से कम आएगा। अब अगर ये गैप जीरो है, अगर ये गैप जीरो है तो इसका मतलब है कि ये एरिया जीरो है, इसका मतलब है कि गिनी कोफिशियंट की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। और अगर ये जीरो आ रहा है गिनी कोफिशियंट, इसका मतलब है देयर इज नो इनइक्वालिटी। और अगर ये वन आ रहा है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम इनइक्वालिटी इज देयर, मैक्सिमम हेट्रोजिनिटी इज देयर। तो इन बिटवीन जीरो टू वन अगर ये आता है तो हम कहते हैं कि अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इनइक्वालिटी इज लेस, अगर ये वन की ओर अप्रोच कर रहा है तो इनइक्वालिटी इज मोर। तो इसके आधार पर ये हम लोग मेजर करते हैं। तो इस तरह से मैं आज अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। आशा है मुझे कि आपको इसमें पसंद आया होगा। कहीं भी अगर आपको कहीं पर भी मुझे आपको लगता है कि मैंने जो बताया वो कहीं एग्जिस्टिंग थियोरी से कुछ अलग बताया है या कुछ आपको नया मिले, तो मेरा अनुरोध है कि आप मुझे इन्फॉर्म करें जिससे कि मैं और अपडेट अपने को करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपसे अनुरोध है कि अगर आप शेयर करते रहें अपने हमारे इस यूट्यूब वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तब, और अगर आपको लगता है कि वाकई ये कहीं से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो और लोगों को बताएं और इस चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।